प्रिय एड एक्सचेंज लीडर, आप सभी को एक नए दिन का हार्दिक अभिनंदन और मेरा नमन। लीडर्स, आज हम जानकारी लेते हैं कि हमारा जो इनकम, जो कि हमारा इनकम वॉलेट में आता है, उसको हम कैसे मेन वॉलेट में मूव करें। तो दोस्तों, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, चलो हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, ये प्रोसेस को अच्छी तरह जानने के लिए आप अंत तक वीडियो में बने रहें और मेरा यूट्यूब चैनल अर्न ऑनलाइन विथ मानस को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी लीडर्स तक पहुंच सके और आसानी से अपना फंड को मूव कर सके। तो दोस्तों, मेरे मेन वॉलेट पे आप देख रहे हैं 1038 रुपीज़ अभी है। तो चलो इसको हम मूव करते हैं मेन वॉलेट में। तो उसके लिए हमें करना क्या है दोस्तों, ऊपर जहाँ पे फंड मूव है वहाँ हमें क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करते हैं, हमें ये वाला ऑप्शन आएगा। तो इसमें एंटर अमाउंट में आप 1000 डाल सकते हैं। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन आएगा आपके मेन वॉलेट और विड्रॉल वॉलेट कहाँ आपको लेना है। हमें लेना है मेन वॉलेट पे, तो मेन वॉलेट क्लिक किया। आपका जो टी पिन है, उस टी पिन को यहाँ डालना है। आपका जो भी टी पिन है, वो टी पिन आप यहाँ डालिए। जैसे ही आप टी पिन डालते हैं, यहाँ पे रिमार्क्स आएगा। रिमार्क्स में आप लिखिए टू मैन वॉलेट। उसके बाद ये जो ट्रांसफ़र है वहाँ क्लिक कीजिए, यस पे क्लिक कीजिए। तो देखिए, यहाँ फंड मूव सक्सेसफुली लिखा है। तो जैसे ही आप अभी जाएंगे, तो यहाँ से 1000 रुपया कट के अभी 38 रुपीज़ सिर्फ ओनली बैलेंस है। मेरे मेन वॉलेट में अभी 1000 रुपया ऐड हो गया है। दोस्तों, इसी पैसे से आप किसी के अकाउंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आसान सा तरीका कैसे हम इनकम वॉलेट से मेन वॉलेट को फंड ट्रांसफ़र करें। थैंक यू सो मच।